नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायोड पे। इसके पहले मैंने जो वीडियो बनाया था, तीन वीडियो बनाए थे। एक तो मैंने बिजली के बारे में बनाया था, उसके बाद दो वीडियो हमने रेजिस्टेंस के बारे में बनाए थे, और आज हम डायोड के बारे में बना रहे हैं। और एकदम संक्षिप्त में मैं आपको बताऊँगा, ये मेरे पास डायोड हैं। डायोड कई प्रकार के होते हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन बटन जो घंटी की होती है वो भी प्रेस कर दें, उसका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। और वीडियो हमारा आप देख करके काम को भी सीख सकते हैं। बहुत ही संक्षिप्त में, अच्छे तरीके से, सरल भाषा में मैं आप लोगों को वीडियो बताता हूँ। और आज मैं शुरू करता हूँ डायोड कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मैं होते तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य कई प्रकार तभी बता देंगे जो जनरली में जो यूज होते हैं, जहाँ जहाँ लगे होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बता दूंगा। आज मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, जिसे बहुत लोग बोलते हैं। अब हमारे साथ में रहने वाले कहते हैं, यार हिंदी में लिखा करो जो है, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ। डायोड के प्रकार, डायोड तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं इसमें लिखता जा रहा हूँ आपको जहाँ जो जनरली यूज होता है। उसके बाद आप जब काम करने लगेंगे तो खुद अपने आप सीख जाएंगे कि डायोड कौन से कहाँ कहाँ होते हैं। जिसे मैंने लिखा हूँ, पहले लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं लिख ले रहा हूँ तो फिर आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ, मैंने 10 प्रकार के डायोड लिख दिया हूँ, जिसमें आपको ज़्यादा जो यूज होता है वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ आप लोगों को। इसे पहला रेक्टिफायर डायोड। डायोड का सिंबल दोस्तों सर्किट में ऐसे बनता है, थोड़ा सा सही से नहीं आ रहा है। इसे दोस्तों, ये मेरे हाथ में जो डायोड है ये रेक्टिफायर डायोड है, ये रेक्टिफायर डायोड है, ये भी रेक्टिफायर डायोड है, ये भी रेक्टिफायर डायोड होता है, लेकिन अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए, जैसे कि ये भी डायोड है, जो दिखने में ये पावर ट्रांजिस्टर जैसे दिख रहा है, लेकिन ये डायोड है, इसकी पहचान यही होती है। आप इसमें देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो क्लियर हो जाए। चलिए भी मैं थोड़ा सा वीडियो क्लियर करके आपको दिखाता हूँ, तो थोड़ा जान लीजिए पहले रेक्टिफायर में। इस रेक्टिफायर डायोड, इसके नाम से और इसकी मोटाई पर भी इसकी वोल्ट और एम्पियर दोनों निर्भर करती है। जैसे कि मैंने पहला रेक्टिफायर जो बताया हूँ, आप लोगों को देख सकते हैं, ये पहला रेक्टिफायर ये हमने लिखा हूँ। और डायोड का सिंबल देखिए, मैं सिंबल भी बना दे रहा हूँ। देखिए, मैंने ये सिंबल बना दिया। देखिए इधर का, देखिए ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। और एनोड का मतलब होता है प्लस, और कैथोड का मतलब होता है माइनस। ये होता है, और अब इसमें देख सकते हैं डायोड में, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। एक तरफ देखिए, ये सफ़ेद रंग की धारी बनी है गोले में, ये कैथोड होता है। एक तरफ देखिए, ये कुछ नहीं, कोई निशान नहीं होता है, ये एनोड होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। और ये सर्किट में आपको देखने से ऐसे मिलेगा। आपको सर्किट में इस तरीके से मिलेगा, देखिए ये प्लस हो जाता है और ये माइनस हो जाता है। ये क्या होगा, ये एनोड हो गया।
ये एनोड हो गया, इधर का कैथोड हो गया, कैथोड, ये कैथोड हो गया, मतलब प्लस माइनस, एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। इस तरीके से आपको सर्किट में सिंबल ये देखने को मिलेगा और इसकी मोटाई पे निर्भर करते हैं, जिसे 4007 होते हैं और इसमें देखिए लिखा होगा 6A4 लिखा हुआ है, इस तरीके से ये सब मतलब है होते हैं। देखिए जैसे ये 4007 डायोड है, पतला होता है, इसकी 1 एम्पियर रेटिंग होती है, जैसे इसका 3 एम्पियर रेटिंग होती है, इस तरीके से आगे के मतलब आप काम करने लगे तो आप जान जाएंगे। ये देखिए ये इस तरीके से सिंबल होता है। जैसे जीनर डायोड, जैसे देखिए ये हमारे पास ये जीनर डायोड है, देखिए ये जीनर डायोड है और जीनर डायोड का मतलब होता है इसकी वोल्टेज फिक्स, कहीं हमको वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है तो ये जितने वाट का मतलब वोल्ट का लगाएंगे उतने वोल्ट पे ही मतलब हमको रेगुलेटिंग करने के लिए वोल्टेज मतलब सर्किट में यूज करते हैं रेगुलेट करने के लिए। और इसका सिंबल आप सर्किट में इस पाएंगे और डायोड सभी तरीके से पाएंगे। देखिए इसमें भी एक तरफ के मतलब आपको जूम करने पे भी दिखेगा नहीं क्योंकि मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, कैमरा ख़राब हो गया है। और इसमें भी इस तरीके से देखिए एक तरफ देखिए ये चिन्ह ब्लैक कलर का बना होता है, तो इसका सिंबल में आप इस तरह से पाएंगे। देखिए सिंबल में इसको ऐसे पाएंगे, इधर जेड आकार में बना रहता है जीनर डायोड। और ये जो होता है देखिए इसमें भी एनोड कैथोड इसमें भी होती है एनोड कैथोड, और इसकी मतलब वोल्टेज होती है, जैसे ये मेरे पास जो है 6.2 वोल्ट का है, 9 वोल्ट का, इससे मतलब इस तरीके से ये मिलता है आपको सर्किट में। और सर्किट में इस तरीके से ये दिखेगा, डायोड बना रहेगा उसके साइड में, जैसे यहाँ पर इस तरीके से खाली एक सीधी लाइन है, इसमें जेड बना रहेगा, तो ये जीनर डायोड का मतलब आप पहचान सकते हैं। देखिए सिग्नल डायोड, एक सिग्नल डायोड आता है जो कि 4148 के नाम से आता है, सिग्नल के लिए यूज करते हैं, देखिए इस तरीके से होता है और इसी पर वो लिखा रहेगा IN4148। जैसे ये सिग्नल डायोड हमने 3 नंबर पर रखा हूँ और इसका भी सिंबल सर्किट में आप ऐसे ही पाएंगे। और इसमें कोई पहचान नहीं, रेक्टिफायर डायोड से कोई पहचान नहीं है, इसमें भी ये एनोड और ये कैथोड होता है इसमें भी, और इसका नंबर शुरू होता है IN4148, ये इस नाम से जाना जाता है, IN4148 के नाम से ही यही नाम से आता ही है। अगर IN4148 डायोड है तो ये सिग्नल डायोड है, सिग्नल डायोड होता है ये इस तरीके से। देखिए एक डिटेक्टर डायोड होता है, हमें आपको देखता हूँ अगर मिल जाए कहीं पे, जो कि डिटेक्टर मतलब ये सिग्नल को ये डिटेक्ट करता है, और इसे भी आप सिंबल में सर्किट में ऐसे ही पाएंगे, डिटेक्टर डायोड भी ऐसे ही आप पाएंगे, उस पर लिखा रहता है। और इसमें भी ये एनोड और ये कैथोड होता है, ये प्लस और ये माइनस माइनस होता है, और इसका नंबर जो होता है OA79, ये इसी नंबर से आता ही है, ये आपको डिटेक्टर डायोड जो कि रेडियो में यूज होता था, रेडियो में RF सिग्नल को काटने के लिए ऑडियो सिग्नल को पास करता था, RF सिग्नल को काट देता था, ये इस तरीके से इसको यूज करते थे। और देखिए LED डायोड, जैसा कि ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये LED है, ये 2.5 mm के LED है, देखिए इसमें भी देखिए जो होती है, देखिए 2 पिनें होती है इसके पहचान के लिए, देखिए जो बड़ी पिन होती है वो पॉजिटिव होती है, जो छोटी पिन होती है निगेटिव होती है, मतलब बड़ी पिन एनोड हो गई और ये कैथोड हो गई, इस तरीके से आप देख रहे हैं छोटी बड़ी। और ये साइज के ऊपर निर्भर आती हैं, जैसे कई कलर में आती हैं, जैसे ये तो ब्राइट हमारे पास है, जैसे ये 5 mm की LED है, और देखिए इसमें आप LED को ऐसे देखेंगे तो देखिए ये थोड़ी सी चौड़ी पट्टी दिखेगी, जो चौड़ी पट्टी होती है वो कैथोड होती है, जो छोटी पट्टी होती है वो एनोड होती है, प्लस एनोड ये प्लस ये और ये माइनस होती है। और इसका सिंबल सर्किट में ऐसे बनाते हैं LED डायोड।
मतलब जैसे इसको LED बोलते हैं, LED का मतलब होता है लाइट इमिटिंग डायोड, और इसका सिंबल आप सर्किट में ऐसे पाएंगे। सर्किट में आप सिंबल इसका ऐसे पाएंगे, और इस पर दो तीर की निशान लगा देते हैं ऊपर की तरफ, क्योंकि ये लाइट देती है इसलिए ये दो तीर की निशान लगे रहते। यहाँ पे ये निशान लगा रहेगा, इसमें भी ये देखिए ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है। इस तरीके से ये आपको सर्किट में मिल जाएगा। और ये हो गया आपका और देखिए 6 नंबर पे IR LED का मतलब होता है इंफ्रा रेड इमिटिंग डायोड, इसका पूरा नाम ही होता है। और ये रिमोट वगैरह में जो लगता है, इसको लोग सेंसर रिमोट भी बोल मतलब सेंसर डायोड भी बोलते हैं। तो यही आपको रिमोट वगैरह में जो लगा होता है, देखने में एकदम आपको ऐसे ही दिखेगा, ऐसे ही रहता है। तो और इसकी भी आपको इंफ्रारेड जो डायोड होती है वो तो दुकानदार आपको बताएगा कि ये इंफ्रारेड है, नहीं तो बनावट में आपको कोई अंतर नहीं आएगी। और इसका भी सिंबल ऐसे ही बनेगा सर्किट में, इस पर भी बाहर की मतलब तीर रहेगी, क्योंकि ये भी तो लाइट ही देती है, बस पता क्या है कि इंफ्रारेड लाइट देती है जो कि हम आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका जो सेंसर होता है उसको रिसीव कर लेता है। ये चीज़ इसमें ये होता है, ये सर्किट होता है इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग, देखिए इंफ्रारेड लाइट इमिटिंग डायोड, इसलिए मैं देखें इसको शॉर्टकट में कोई लोग IR सेंसर बोलते हैं, इंफ्रारेड सेंसर, ये इस तरीके से होता है। और देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये फोटो डायोड। अब जो फोटो डायोड होता है, अब इसको सिंबल सर्किट में देखिए इस तरीके से रहेगा। ये सर्किट इस तरीके से रहेगा, इसमें जैसे इंफ्रारेड सेंसर में जो तीर ऊपर की लगी है, ये तीर नीचे की लगेगी, क्योंकि इस पर मतलब हमारी जो लाइट पड़ेगी इंफ्रारेड लाइट पड़ती है उसको रिसीव करता है। देखिए ये सर्किट में इस तरीके से लगे रहेगी, इसको लोग फोटो डायोड के नाम से जानते हैं। इस तरीके से देख लें, आप देख रहे हैं, देखिए LED में लाइट ऊपर की तरफ होती है, फोटो डायोड में नीचे की तरफ होती है। रिमोट जो मतलब आप रिमोट जो बटन दबाते हैं, तो मैं आपको रिमोट को दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हैं जो LED लगी है, जबकि देखिए ये लाइट इमिटिंग डायोड है, ये LED है, और देखिए ये इंफ्रारेड LED है। देखिए कोई अंतर नहीं है बनावट में, आप देख सकते हैं ये, और ये लाइट देती है, ये इंफ्रारेड लाइट देती है। और इसी सेंसर की लाइट जो है, जो फोटो डायोड होती है, ये फोटो डायोड मेरे पास है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अभी ये सर्किट से निकाला हूँ जो आपको दिखाने के लिए ही। देखिए वैसे ये देखिए ये हल्के नीले रंग में दिख रहा है, जो ये फोटो डायोड है, और ये जो वायरिंग दिख रहा है ये इंफ्रारेड LED है, ये दोनों देख सकते हैं। इन दोनों को जो आप देख रहे हैं, मैं आपको आगे का सर्किट एक बना के दिखा दूंगा। आप घर और पे बिना बटन दबाए आप डोरबेल मतलब जो बजाते हैं, कोई सामने आएगा तो आपके घर पे घंटी अपने आप बजेगी। लेकिन एक चीज़ ये भी रहता है, आपके दरवाजे पे कोई जानवर भी आ जाएगा, कुत्ता आ जाए, कुछ भी आ जाए, तभी वो घंटी बज जाती है, ये अंतर आएगा आपको जो है। देखिए ये फोटो डायोड है जो अभी ये हमने बनाया हूँ, देख सकते हैं इसको और इसको, ये फोटो डायोड है ये, और ये देखिए ये सिंबल तीर अंदर की तरफ होता है, इसलिए इतना संक्षेप में बता दे रहा हूँ। इसे देखिए ये भी LED ही है, लाइट इमिटिंग डायोड, और एक SMD LED आजकल आती है ना, जो कि प्लेट पाते हैं, सरफेस मूव डिवाइस के नाम से आते हैं, वो भी वही होती है, अलग अलग वोल्टेज अलग अलग वाटेज पे आती हैं। और देखिए ये वेरिएक्टर डायोड, टनल डायोड, और TV20 डायोड। अब मैं आपको बता दूं, TV20 डायोड जो होता है ये भी सिंबल ऐसे ही होता है, लेकिन TV20 जो होती है ये बहुत हाई वोल्टेज की होती है, जिसे 5000, 10000, 15000, 20000, 50000 वोल्ट की इसकी रेटिंग होती है। जो पहले CRT कलर TV आती थी उसमें जो एक ST लगती थी 25 किलो वोल्ट की, जो सप्लाई बनाते थे 25000 वोल्ट की, 32000 वोल्ट की, 18000 वोल्ट की,
तो ये डायोड उसी में जो मतलब हमारी एसटी जो बूस्ट बनती थी वो एसी बनती थी, उसी को डीसी करने के लिए वही टीवी 20 वही हाई वोल्टेज के डायोड यूज करते थे। और ये भी सिंबल में आप कई डायोड जो है उसमें कई डायोड जो है इस तरीके से इस तरीके का मतलब ढेर सारे डायोड को जोड़ सीरीज में जोड़ करके उसकी उसको बनाते हैं वोल्टेज बढ़ती चाहिए मतलब बढ़ाने के लिए बढ़ा देते हैं। और इसमें भी वैसे सिंबल में देखेंगे तो ऐसे ही ये भी दिखेगी, ये हो जाएगी कैथोड, ये हो जाएगी ये एनोड, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरीके से आप इसमें डायोड के बारे में जान सकते हैं। और टनल डायोड और वेरिएक्टर डायोड मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। टनल डायोड का सिंबल आप सर्किट में ऐसे पाएंगे, और देखिए इसका जो ये लाइन होती है ये दोनों अंदर की तरफ होती है, और ये हो गई एनोड, ये हो गई कैथोड, एक गड़बड़ हो गया थोड़ा सा बनाने में, मैं दूसरा बना दे रहा हूँ। देखिए देखिए ये टनल डायोड है, एनोड कैथोड, ये टनल डायोड आप इस तरीके से पाएंगे। लेकिन आपको इसकी कहीं यूज मतलब नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब आईसी चिप के अंदर ही मतलब बने होते हैं, इस तरीके से आपको ये मार्केट में मिलेगा भी नहीं। और देखिए वेरिएक्टर डायोड वो भी आपको जिसे मैं ये वेरिएक्टर डायोड के बारे में दिखा दे रहा हूँ इसमें क्या अंतर आता है, ये भी एक देखिए इस तरीके से ये होता है, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। और आपको ये भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी वोल्टेज पे इसकी सिग्नल कम ज़्यादा करते हैं ये आपको, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनर जो पहले आते थे तो हम उसको जब घुमाते थे तो मतलब उसके सिग्नल में परिवर्तन आता था, तो उसी के ट्यूनर के अंदर ये टनल डायोड ये वेरिएक्टर डायोड सॉरी ये वेरिएक्टर डायोड उसी के अंदर लगा होता है। तो ये सब आपको कहीं ज़रूरत नहीं, लेकिन हमने फिलहाल बता दिया, नॉलेज मतलब रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक के एक एक पार्ट को जो है। और तो होते हैं बहुत टाइप के डायोड होते हैं लेकिन मैंने आपको 10 टाइप के बता दिया हूँ। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, देखिए डायोड के बारे में मैंने आपको बता दिया हूँ, थोड़ा सा डायोड के मैं सर्किट के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जिसे डायोड आप कहीं लगाते हैं, जिसे लोग कहते हैं डायोड एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, डायोड एसी को डीसी में कुछ भी कन्वर्ट नहीं करता है, डायोड जो होता है वो अर्धचालक होता है। अर्धचालक का मतलब ये होता है जैसे जब हमारी एसी करंट बनती है तो एसी करंट हमारी यहाँ तो विदेशों में तो 60 हर्ट्ज होती है लेकिन अपने यहाँ 50 हर्ट्ज होती है, ये एक सेकंड में उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस 50 बार बदलती है। तो ये जब आप डायोड लगा देते हैं तो जब ये वहाँ माइनस होगा तो ये उसको रोक देगा, पास नहीं होने देगा, जहाँ ये प्लस हुआ उसको पास कर देगा। इस तरीके से मतलब डायोड अर्धचालक होता है। जब हमको एक ही सप्लाई मिल रही है तो इसको मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इसे देखिए अगर आपके पास जो है एक ट्रांसफार्मर बना लेता हूँ, देखिए इधर से हमारी 230 वोल्ट एसी, एसी इधर से हम जब देंगे तो जैसे मान लीजिए हमारा ये जीरो 12 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम 230 वोल्ट एसी देंगे तो हमको ट्रांसफार्मर से दूसरी साइड में आपको 12 वोल्ट एसी मिलेगी, न कि डीसी मिलती है, 12 वोल्ट एसी मिलेगा। ट्रांसफार्मर मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, डीसी पे काम नहीं करता है। तो जिसे ये डायोड जो लगा देते हैं, देखिए जब ये डायोड लगा देंगे एक डायोड लगा दिए और एक यहाँ लगा दिए, देखिए यहाँ पे आपको डायोड लगा देंगे ये प्लस मिलेगा और यहाँ पे आपको ये माइनस मिलेगा, और माइनस सिंबल में ऐसे 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 ये ग्राउंड होता है, ये आपको माइनस मिलेगा। और एलिमिनेटर के लिए आप इसी बीच में एक कंडेंसर लगा देते हैं,
कंडीशन के बारे में आपको बताएंगे, पहले आप इसके बारे में जान जाएं। देखिए ये इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, इस सर्किट को बोलते हैं। देखिए ये हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और जब देखिए, जब एसी करंट, आपको पहले बता चुका हूँ कि एसी करंट जो होती है, जैसे ये लाइन बना लीजिए, ये साइन वेव में ऐसे चलती है। जब आप डायोड लगा देंगे तो ये डायरेक्ट हो जाती है। डायोड लगा देंगे तो देखिए, डायोड लगाने पे क्या होता है, ये लाइन है, आपको खाली इतना ही मिलेगा, क्योंकि हमारी आधी मतलब है एक मतलब 25 हर्ट्ज़ को काट देता है, क्योंकि नेगेटिव वोल्टेज को काट देता है, ये पॉजिटिव को ही पास करता है, इसलिए आपको इतना ही मिलेगा जो है। इस तरीके से ये काम करता है, मतलब कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है, खाली एक मार्गी होता है। मतलब हमारा जो इधर से जो हमको इस पर मिलेगी वोल्टेज डीसी मिलेगी, प्लस मिलेगी, तो ये प्लस को पास कर देगा। इस तरीके से ये इसका होता है। और देखिए, और ये देखिए, ये फुल वेव रेक्टिफायर है, और मैं आपको फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए मान लीजिए ये हो गया, और देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये 12 0 12, ये मतलब है जहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर मतलब आउटपुट 3 तार निकली होती है, ये वहाँ पे यूज करने के लिए। देखिए ये जो देखिए, ये एसी का सिंबल बना, ये एसी का सिंबल बना हुआ है देखिए, और ये बीच में जो प्लस बना हुआ है, ये इस तरीके से काम करता है। देखिए ये जो इसका जो होता है, ये एनोड होता है, ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। अब सिंबल में जाएंगे तो ये सिंबल तो हमको अलग से दिख रहा है, क्योंकि ये प्लस होने नहीं चाहिए, ये माइनस होती है, लेकिन यहाँ पे प्लस आउट होती है, इसलिए प्लस का सिंबल बना दिया है, अपने हिसाब से सही कंपनी बनाई है, उसमें कोई गलत नहीं है। और देखिए इसमें क्या होता है, देखिए एक डायोड यहाँ पर लग गया, देखिए एक डायोड जो है, क्योंकि यही डायोड जो होती है, ये 4007 टाइप की अलग अलग मतलब होता है, यही डायोड, इसके अंदर 2 डायोड होता है इसके अंदर में, देखिए, और इस दोनों को एक कर देता है, इसको यहाँ से एक कर दिया, जो कि यहाँ से हम इसको आउट करते हैं, ठीक, ये प्लस आउट होता है। और देखिए इस सिरे को क्या करेंगे, यहाँ से माइनस आउट होती है, फिर इसी के बीच में कंडेंसर लगा करके इसको फिल्टर कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये फुल वेव रेक्टिफायर हो गया, क्योंकि फुल वेव मतलब कि हाफ़ साइकिल इधर से पास हो रही है, तो हाफ़ साइकिल इधर से पास हो जाती है, ये इस तरीके से मतलब ऐसे होता है ये। तो ये आपको कहीं भी मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर करने के लिए आपको फुल वेव रेक्टिफायर बहुत बढ़िया काम करता है, क्योंकि ये इसके अपेक्षा ये ज़्यादा बढ़िया काम करता है, और इसके अपेक्षा ये ज़्यादा बढ़िया काम करेगा ये ब्रिज रेक्टिफायर। और इसमें इसके अंदर चार डायोड होते हैं, आप देख सकते हैं ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें देखिए ये दोनों से एसी देते हैं, और ये दोनों से मतलब डीसी पास करते हैं। देखिए इधर का माइनस है, इधर का प्लस है, और ये एसी का सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, इसमें आप देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, लेकिन एक बार ज़रूर हम कहेंगे संक्षिप्त में जानने के लिए, थोड़ा सा वीडियो आपको देखिए, बिना स्क्रिप्ट ये वीडियो को देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। मैं फुल वेव रेक्टिफायर को भी आपको बता दूँ, उसके बाद फिर अगली वीडियो बनाएंगे ट्रांजिस्टर के बारे में।
देखिए फुल वेव रेक्टिफायर जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इसमें चार डायोड होते हैं। इसमें देखिए इसमें चार डायोड होते हैं। इसका जो मतलब है, देखिए इसमें चार पिने हैं। देखिए ये जो बीच की वाली दोनों पिन है, एक तो पिन ये हो जाती है, ये हो गई, और दूसरी ये हो गई। देखिए ये हो जाती है, और एक ये हो गई, और एक ये हो गया। देखिए ये जो ऊपर का है ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये चार डायोड लगा हुआ है यही डायोड से। ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये भी अलग नंबर से अलग अलग वाटेज में आते हैं, अलग अलग वोल्टेज में। तो पहले आप यही जानिए जो है इस तरीके से होती है। यहाँ पे कंडीशन लगा कर इसको फिल्टर कर लेते हैं, और सबसे बढ़िया यही होता है। यहाँ पे मान लीजिए आप ट्रांसफार्मर ही लगा दीजिए, या डायरेक्ट एसी को ही मतलब डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं ट्रांसफार्मर बना दे रहा हूँ। दो सौ तीस वोल्ट मान लीजिए, ये 12 0 12 0 वोल्ट, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे 12 वोल्ट मिलेगा। इस तरीके से ये होता है। देखिए हमने आपको बता दिया हूँ, इस पर हाफ वेव लिख दूँ, ये फुल वेव हो गया। और देखिए ये फुल वेव रेक्टिफायर है, जिसे इन सबका नंबर मतलब लिख दे रहा हूँ, जिसे IN4007 ये नंबर्स होते हैं, जिसे 4001 होते हैं। यही जो नंबर आती है, 7 आती है, 1 आती है, 2 3 4 लेकर 7 तक मिलते हैं आपको डायोड। वो वोल्टेज भी निर्भर करती है, 1 एम्पियर वोल्टेज होती है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, इस तरीके से ये मतलब है वोल्टेज पे इसका निर्भर करता है, इसके नंबर से। वो आप काम करने लगे तो खुद ब खुद जान जाएंगे। जैसे ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ये ये फुल वेव रेक्टिफायर है। देखिए हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर ये ब्रिज रेक्टिफायर है। इस तरीके से आप डायोड के बारे में आप जान सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आगे की वीडियो में आप बताऊंगा आपको, ट्रांजिस्टर के बारे में बताऊंगा। एक बार हम फिर से कहना चाहेंगे, अब जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ सैंपल में मेरे पास इतने सारे टाइप का डायोड रखा हूँ। देखिए ये भी डायोड होता है, जहाँ पे बहुत हाई एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। ये देखिए इसको नट बोल्ट से टाइट कर देते हैं ताकि ठंडा रहे जो है, इस तरीके से। चलिए ठीक है, आगे के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ।
ट्रांजिस्टर के बारे में आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहते थे, वो आपको दिखा नहीं पाए थे। थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, जूम करता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो अभी हमने आपको दिखाया था डायोड, देखिए आप इसको डायोड पर देखिए, इसी टाइप सेम टाइप के ट्रांजिस्टर भी होता है ऐसे ही, क्योंकि देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये ट्रांजिस्टर है, IGBT ट्रांजिस्टर है, ये भी वैसे देखिए वैसे ही बनावट है, देख सकते हैं आप दोनों को। लेकिन ये डायोड है, ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है, ये ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर है, ये तो है IGBT नाम देखेंगे तो। लेकिन ये जो है इस तरीके से ऐसे रहता है, आप इसमें देख सकते हैं। यहाँ दोनों देखिए, ये AC का सिंबल बना हुआ है और ये प्लस का सिंबल बना हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर, वो फुल वेव रेक्टिफायर सॉरी। और मैं आपको दिखा दूँ, इसमें भी दिखा दूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब आप देख पा रहे होंगे, देखिए इसमें भी देखिए ये AC का सिंबल बना हुआ है, देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, ये फुल वेव सॉरी ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। देखिए इसका ये नाम नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसमें चार डायोड होते हैं। देखिए आप देख सकते हैं ये प्लस और ये माइनस, इस तरीके से ये मतलब है। एक थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहले जब हमारी LED कलर में आती थी, और देखिए इसका जो लेंस होता है, जो ये प्लास्टिक होती है, देखिए ये कलर होती है, जैसे ये रेड है, ये रेड जलेगी दिखेगी, ग्रीन यही कैप ग्रीन होती, ग्रीन देखती, येलो होते तो येलो देखती, इस तरीके से मतलब पहले LED आती थी। लेकिन अब LED जो आती है सेम सब कुछ ऐसे ही रहती है। देखिए देखिए अब इसी में रेड भी हैं, ब्राइट भी है, ग्रीन भी है, इसी में हैं, लेकिन जब तक जलाएंगे नहीं तब तक कौन सी कलर की है वो पता नहीं चलेगी, ये देख सकते हैं। और ये अलग अलग साइज़ के हैं, देखिए ये कितनी साइज छोटी साइज़ के, ये शायद 0.5 mm में जो भी हो, mm में तो हमको उतना नहीं आता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जैसे ये 2.5 mm की है, ये 5 mm की, इससे बड़ी आती है 10 mm की आती है, और ये भी सब बहुत छोटे छोटे भी आती हैं इस तरीके से। एक बार हम फिर लास्ट में कहेंगे, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो में ट्रांजिस्टर पे ले आऊँगा, आपको ट्रांजिस्टर के बारे में आपको दिखाऊँगा और ट्रांजिस्टर का वर्किंग बताऊँगा। जैसे कि मैंने भी इसका वर्किंग बता दिया हूँ, कि जैसे लोग बताते हैं डायोड का वर्किंग क्या है, तो लोग बोलते हैं कि डायोड AC को DC में कन्वर्ट करता है, ये कोई कन्वर्ट नहीं करता है, AC DC में जो है ये सिर्फ यही एक मार्गी होता है, अर्धचालक होता है, ये यहाँ पर जब प्लस पाएगा प्लस को पास कर देगा, देखिए जबकि यहाँ पर जो चिन्ह बनी होती है इधर को आपको प्लस मिलेगा, लेकिन जबकि इधर के पिन निगेटिव होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव को पास करेगा तो पॉजिटिव पास करेगा, निगेटिव नहीं पास करता, इसलिए मतलब इस तरीके से होता है। वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करिए, कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो का आप लोग इंतज़ार करिए, बस एक हफ्ते के अंदर मैं अगली वीडियो बनाऊँगा।